फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कहीं गिर नहीं जाना कहीं। ये देखिए, एक मनुष्य बैठा हुआ है यहाँ पर, पता नहीं क्या देख रहा है। मनुष्य नहीं हूँ मैं, क्या है? तो अरन भाई का साइकिल रेस देख रहा हूँ। मैं कितना अच्छा साइकिल रेस कर रहा हूँ। ये देखिए, पबजी खेल रहा है। शर्मा गया ना? कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं कहोगे? क्यों, कौन सी क्लास में होता? बताओ ना, बताओ बताओ। अभी तो बोले थे यार क्लास, तुम कौन सी क्लास में हो? नर्सरी नहीं बोले थे? नर्सरी क्या? नर्सरी कौन से क्लास में हो? दो क्लास में। दो क्लास में। देखिए देखिए, मैंने इनको कहा कि ये नर्सरी क्लास में है तो ये हंस रहा था। ये मतलब नर्सरी इसने कभी सुना ही नहीं है, डायरी के दो क्लास में आगे लग गया। और सच बात तो ये है, इन्होंने अभी एडमिशन भी नहीं लिया है। इससे पूछ रहा हूँ मैं कौन सी क्लास में, तो बोला है दो क्लास में। प्ले स्कूल में है अभी। थक चुके हो साइकिल चला के? हाँ। सच बोल रहे हो? और नहीं चलाओगे? नहीं। क्यों? आज लंच में क्या खाओगे? हाँ? लंच में क्या खाओगे? आज लंच? हाँ? मैं पराठा। पराठा खाओगे? क्या बात कर रहे हो। और क्या? और हाँ? और गोश्त। गोश्त कौन सा? चिकन? हाँ, चिकन। चिकन के साथ पराठा? हाँ। आई ले क्या कर? उसका अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुमने साइकिल कब सीखा था बताओ? कितने दिन हो गए सीखे हुए? अरहन, तुमको साइकिल सीखे हुए कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? जरा बॉडी दिखा दो। बॉडी 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 क्यों दिखा दे? नहीं दिखाओगे क्यों? फ्रेंड्स, अपने घर पे जा रहे हैं और वहाँ पर हमने मक्का सूखने के लिए दिया है और बारिश होने वाली है। अभी ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी। कंधे पे बैठ गया अरहन। अरहन मारा गाय है। कौन है यहाँ पर? क्या पबजी? क्या है दोस्तों, हम यहीं पर आए थे समेटने के लिए मक्का, और हम अभी समेट चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जैसी बारिश होगी इसमें हम प्लास्टिक ढक देंगे। क्या कह रहे हो? सीधा चलिए। तेरा कितना मेहनत कर रहे हो भाई? ये क्या था, दोबारा दिखाओ यार। इतना मेहनत करे साला, फिर भी मकई का रेट नहीं। तो चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए भांजा। क्या ये क्या है? हाँ, ये क्या है? क्या कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहा है? कह रहा है कि मिलाद में जा रहा है कोई, उसको दावत हुआ है तो वहीं जा रहा है वो। जा भाई जा। उसको मैंने बोला कि आपका रूबिक्स क्यूब में कैंसिल कर देता हूँ, ये उसी वजह से रो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि अभी धूप था और आपको हमने दिखाया था, और अभी मौसम इतना बदल चुका है कि आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है बहुत तेज, और मौसम कितना ख़राब हो रहा है। गाँव में यही है कि कब मौसम बदल जाए, कब क्या हो जाए, आप लोग कुछ कह नहीं सकते। कब धूप हो जाए, कब बारिश हो जाए, कब हवा चले, कब हवा चले, चल लाइव देखिए।
से भाई। आ गया अजलान, मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा हवा में, एसी की हवा आ रही है, ठंडी ठंडी है। यार क्या कर रहा है अजलान? देखिए टंकी, पानी का टंकी हमारा, कहीं ऐसा ना हो जाए उड़ जाए। अरे यार टोपी तो कैसा सर में अटक नहीं रहा टोपी। जाओ दौड़ते हुए जाओ ना, अभी उड़ रहा है। फिर से गिर गई। थंडरस्टॉर्म इतना खतरनाक है यार। अबे भाई साइड हो जा, साइड हो जा, साइड हो जा अजलान। या अल्लाह रहम कर। बारिश और आंधी भी तो आई है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा छोटा भाई आ रहा है अरहान। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये अरहान भाई है। अरहान भाई को पता नहीं बारिश में भीगने का कितना मन था, दौड़ते दौड़ते कितना तेज दौड़ते हुए ऊपर आए ये। और तुम क्यों आए अरहान ऊपर? ऐसे ही क्या करने के लिए? अच्छा तालाब देखने के लिए। तालाब भरा है कि नहीं भरा है पानी से, ये देखने के लिए आए? क्या बात कर रहे हो दोस्तों। अरहान भाई का एक तालाब है, मतलब हमारा ही है। तो अरहान भाई ने छत पर भी एक तालाब बनाया। अरहान भाई ने उधर उधर उसको तालाब कहते हैं। एक छत है हमारा छोटा, ठीक है। जब आंधी आता है तो वो तालाब बनता है। आंधी नहीं है, बारिश होती है दोस्तों। जब बारिश होती है तो उधर वो वाला छत जो है हमारा भर जाता है, एक बित्ता पानी लग जाता है उसमें। इतना तो एक फीट लगभग पानी लग जाता है उसको। ये अरहान भाई तालाब बोलते हैं उसको। दूध नहीं होता है, जूस होता है। जूस बनाने का, दूध बनाने का नहीं, जूस बनाने का है। जूसर है, जूसर है। और दोस्तों मुजफ्फर के बारे में जैसे मैंने बोला कि वो अभी एक दावत में चला गया है, और मुझे भी दावत था लेकिन मैं मजबूरी की वजह से जा नहीं पाया क्योंकि मेरे यहाँ पर दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्कल चौवा। वो जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मोलर कहते हैं, मोलर, ठीक है। मोलर बाहर निकलता है तो आप लोगों को पता ही होगा इसका दर्द कितना होता है, बहुत ही तेज़। और पूरा सूज गया मेरा गाल, इसकी वजह से मैं जा नहीं पाया और कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ आजकल। सिर्फ दूध पीता हूँ, दो टाइम दूध पी लेता हूँ और एक टाइम खिचड़ी खा लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ पर टंकी? कौन सा टंकी? अरहान अच्छा वही बना है और उसे पाइप दिया हुआ है। हाँ 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 वही है दुकान में। हाँ हमारे दुकान में। हाँ दोनों खाते समय और एक उस सब टैंकी में पाइप भी है। तो इस सब में कितना पानी होगा? लगभग 2 करोड़ पानी होगा। 2 करोड़ पानी होगा? हाँ हाँ किस में? टंकी में? हाँ टंकी सब में, उस सब में भी होगा, उस सब में भी होगा। क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो पीएचडी के स्टूडेंट की तरह बोल रहे हो। अरहान जो स्टूडेंट पीएचडी में पढ़ते हैं तुम तो उनके तरह बोल रहे हो। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि अभी बारिश ख़त्म हो चुकी है और आंधी भी ख़त्म हो चुकी है, तो हम लोग अभी छत में। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि बहुत तेज़ी आंधी हो रही थी और इस आंधी में जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ उसका पूरा टीन उड़ गया है। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितना टीन उड़ा है और आपको भी दिखाते हैं। और ये जो है इसको हम कल ठीक करेंगे, आज तो टाइम नहीं है इतना। अभी खाना पीना हमने खा लिया है तो हम जा रहे हैं अभी। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी देखने के लिए जो कि हमारा कोचिंग है, मजगमा हाट में है। आप देख सकते हैं हम अपने कोचिंग के पास आ चुके हैं और इतना बुरा तरह से
उखड़ा है टीन, तो आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। अरे यार ये तो पूरा नीचे ही गिर गया है, कैसा हो गया भाई। ये तो पूरा हालत ही खराब हो गया यार इसका यार। तो आप लोग देखिए ये है क्लास का हालत, बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, क्या कहें बताइए। ये देखिए दोस्तों इधर से भी देख लीजिए, बहुत बुरा हालत है, पूरा क्लास भी भीग चुका है और नूरजफर भाई उधर खड़े हैं। देखिए क्या करें हम बताइए, इसमें तो वो हालत हो गया है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। क्या नूरजफर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है क्या? क्या यार, देखिए अब इसे पूरा सही करवाना पड़ेगा। और ये टीन जो उड़ा है तो ये सिंपली उड़ा नहीं है, देख लिया आप लोग, टूट गया है अभी इससे। देखिए अब ये सही भी होगा कि नहीं होगा, क्या कहें, चेंज करना ही पड़ेगा, टीन सब चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ टूट गया अभी इससे यार। हाँ चेंज करना पड़ेगा यार, क्या। उधर भी थोड़ा उड़ा है और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बाहर से नज़ारा कैसा हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक आंधी आया होगा। तो देखिए तो अब हम घर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, क्या करें भाई। फ्रेंड्स हम लोग चलते चलते यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग का शक्ल मत दिखाना, तो हम लोग उन लोगों का शक्ल आप लोग का नहीं दिखाएंगे। देखिए पता नहीं है घर का क्या हालत बनाया हुआ है, देखिए आप लोग, ये बचपन में आप लोग शायद खेले होंगे, ये देखिए ये लोग मछली ये लोग ना वो खाने के लिए बनाए हैं, मतलब खेल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, समान पार्टी बोलता है इसको, पता नहीं। ये देखिए इधर भी है, इसमें क्या होता है, दो टीम होता है, ठीक है, दोनों टीम में क्या शादी कराया जाता है ना। ये देखो ये सब, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखिए चूल्हा है, देखिए शक्ल तो मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगा बच्चे सबका, क्योंकि वो लोग मना कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर भी है, कोई चूल्हा है, घर है, घर है ना, ये घर है, घर चूल्हा नहीं है। देखिए आप दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हमारे कोचिंग का पूरा टीन उड़ गया है और हम अभी वहाँ से आए हैं और बैठे हुए, तो कितना बर्बाद हुआ, अफसोस की बात है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अब जो होना आ रही था कुदरत का था, नेचुरली जो होना आ रही है वो तो होगा। जैसा कि आप लोगों को दिखाया भाई ने कि पूरा कोचिंग का पत्रा जो है उड़ गया है, पूरा टीन वन सब टूट गया है, बांस वांस सब टूट गया है। वहाँ पे भाई कोचिंग वहाँ पे पढ़ाते थे बच्चे को लॉकडाउन से पहले, तो अभी तो फिलहाल उड़ गया है, बंद भी पड़ा था, तो वही है, क्या कर सकते भाई, आंधी आया ऊपर वाले का, हवा इतना तेज आया कि पूरा पत्रे को ही उड़ा डाला। तो आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं एंड, आज का व्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। कल फिर क्या होगा देखेंगे, कुदरत का कुछ होगा तो वो भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, थैंक यू।